साथी की हत्या से फूटा चौकीदारों का आक्रोश, कहा शराबबंदी और विलंब खत्म करे सरकार। दरभंगा, हत्या के बाद सबकी स्थिति ज्यादा खराब होने के कारण बेगूसराय के चौकीदार घूरन महतो का शव रविवार को दरभंगा के डीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। सब पहुंचते ही कई थानों के चौकीदार डीएमसीएच पहुंच गए। वो इस हत्या पर आक्रोश जता रहे थे। दरभंगा जिला चौकीदार एवं दफादार संघ के जिलाध्यक्ष मनीष पासवान ने मृतक घूरन महतो के परिजनों से मिलकर उन्हें ठाठस बंधाया, हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मौके पर मनीष पासवान ने बताया कि पूरे बिहार में दारू माफिया, भू माफिया, बालू माफिया द्वारा अब तक 24 चौकीदारों की हत्या की जा चुकी है। गाजर मूली की तरह चौकीदारों की हत्या हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि बिहार में शराब को चालू करें या चौकीदारों को सुरक्षा मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग का आंख कान चौकीदार होता है। चौकीदार हमेशा ड्यूटी पर तैनात होता है, इससे चौकीदार पर हमेशा खतरा बना रहता है। उन्होंने शराबबंदी के कारण चौकीदारों पर सबसे ज़्यादा खतरा बताते हुए कहा कि सरकार बिहार में शराब को अविलंब चालू करे, नहीं तो वो लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। बताते चले कि 9 नवंबर को सिमरिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम से लौटने के बाद मंसूरजक थाना में कार्यरत सुहिलवाड़ा गांव निवासी चौकीदार वर्षीय घूरन महतो उसी रात से लापता था। शनिवार की सुबह चौकीदार का शव गांव के बाहर पानी भरे धान के खेत से बरामद किया गया। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बदमाशों ने चौकीदार की बेरहमी से हत्या कर शव को पानी भरे धान के खेत में फेंक दिया। परिजनों को आशंका है कि बदमाशों ने हत्या के बाद चेहरे पर तेजाब भी डाला है। शव की स्थिति काफ़ी बिगड़ने के कारण बेगूसराय में पोस्टमार्टम नहीं हो सका, इसलिए रविवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच लाया गया। इस तरह के चौकीदार का जो है सो सिमरिया पुल पर जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब की ड्यूटी में गए हुए थे 9 तारीख को, और 9 तारीख से जो है सो मतलब वो गैप पाए और जंगल में उनका जो है सो कपड़ा जो है सो मिला, और इसके बाद जो है सो धान के खेती में जो है सो उनको लाश मिला। तो बेगूसराय से चौकीदार का डेड बॉडी दरभंगा जिला पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। हमको डॉक्टर संत सिंह जो पूरे बिहार के चौकीदार दफेदार के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से हमको सूचना मिला कि दरभंगा में चौकीदार का पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है, आप वहाँ रह के जो है सो सपोर्ट करिएगा। तो पूरे बिहार में 24 चौकीदार का जो है सो हत्या, दारू माफिया, भू माफिया, बालू माफिया के द्वारा जो है सो हो गया। काजल मूली के तरह जो है सो चौकीदार जो है सो मरा रहा है। इस पर जो है सो माननीय मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करेंगे कि पुलिस विभाग का मुख्य आँख कान जो है सो चौकीदार होता है। पूरे बिहार में कितना चौकीदार को जो है सो मार दिया, और बड़े जो पदाधिकारी है डीएम साहब, एसपी साहब, सर्किल इंस्पेक्टर साहब, डीएसपी साहब, ये लोग आपको तो नहीं बताएंगे, लेकिन चौकीदार जो है सो 12 माह 36 दिन अपने महल और बीच में जो है सो घूमते हैं। हम लोग जो है हताश हो गए। हमारा गरीब चौकीदार का जो है सो कितना माँ बहनों का जो है सो मांग का सिंदूर जो है सो मिटा गया। मेरा चौकीदार जो है सो गाजल मूली की तरह कटा गया। इसीलिए मैं दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार पासवान, मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि आप समीक्षा बैठक करके वरीय पदाधिकारी के साथ अविलंब जो है सो दारू को जो है सो चालू करवाने का काम करे, नहीं तो जिला में डीएम एसपी साहब को आप टाइट करिए, जो भी चौकीदार दफेदार ड्यूटी में जाता है उनको जो है सो सुरक्षा के साथ जो है उनको जो है सो बीट में रखा जाए। पटना के गांधी मैदान में जाके हम लोग जो है सो धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और आपसे मांग करेंगे
कि दारू को अभिलंब जो है सो चालू करे, अभिलंब चालू करे।